क्या है भगवान शिव का सावन से संबंध? भगवान शिव को क्यों प्रिय है सावन का महीना? क्या है इसका पौराणिक महत्व? दोस्तों, देवों के देव महादेव की कृपा जिस पर हो जाए उसका तो यमराज भी बाल बांका नहीं कर सकते हैं। और महादेव की कृपा पाने के लिए सावन का महीना सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को सावन का महीना इतना क्यों प्रिय है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव को सावन का महीना इतना क्यों प्रिय है। चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, इस संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है जिसमें सनत कुमारों द्वारा भगवान शिव से सावन माह के प्रिय होने का कारण पूछा तो भगवान शिव ने उत्तर दिया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति द्वारा अपने देह का त्याग किया, उससे पहले देवी सती ने महादेव को प्रत्येक जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने राजा हिमाचल और रानी मैना के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया और पार्वती के रूप में देवी ने अपनी युवा अवस्था में सावन के महीने में अन्न जल त्याग करके निराहार रहते हुए कठोर व्रत किया था। माँ पार्वती के इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया। तभी से भगवान महादेव को सावन का महीना अति प्रिय है। इसके अलावा सावन मास के बारे में ये भी मान्यता है कि भगवान शिव सावन के महीने में धरती पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य देकर जलाभिषेक करके किया गया था। अतः माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं, इसलिए भक्तगण इस महीने में उनकी भक्ति में लीन रहते हैं जिससे उन्हें शिव जी की अपार कृपा प्राप्त हो सके। सावन माह को शिव भक्ति के लिए उत्तम माना गया है। इसके अलावा एक और कथा भी प्रचलित है जिसके अनुसार मारकंडू ऋषि के पुत्र मारकंडे द्वारा लंबी आयु प्राप्त करने के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त की थी। इससे उन्हें ऐसी मंत्र शक्तियां प्राप्त हुई जिसके आगे यमराज भी नतमस्तक हो गए। अतः इन्हीं कारणों की वजह से भगवान शिव जी को सावन माह अत्यंत प्रिय है। आपको बता दें कि इस बार सावन माह की शुरुआत 4 जुलाई 2023 से होगी और 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। यानी इस बार भक्तों को भगवान शिव की उपासना के लिए कुल 58 दिन मिलने वाले हैं और 19 साल के बाद ऐसा संयोग बन रहा है। आप भी भगवान शिव की कृपा पाने के लिए भगवान शिव की पूजा आराधना करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। ओम नमः शिवाय।